जैसे जैसे लोगों को वैक्सीन लगते जा रही है, वैसे ही दुनिया से लॉकडाउन हटती जा रही, और लॉकडाउन के हटने पर सारी जगहों पर आपको प्रूफ दिखाना होगा कि आप COVID-19 सेफ हो या फिर आपको वैक्सीन लगाया गया है। और ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स अपने साथ दिन भर रखनी पड़ जाती है। पर रिसेंटली इसराइल की सरकार दुनिया की पहली सरकार बनी जिसने फर्स्ट टाइम वैक्सीन पासपोर्ट की मंजूरी दी। जी हाँ, ये पासपोर्ट उन लोगों को दिया जाएगा जिनको वैक्सीन मिल चुका है और वो स्वस्थ है। और ये पासपोर्ट ना सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि रेस्टोरेंट्स, जिम, स्टेशन, होटल और कई सारे जगहों में यूज किया जा सकता है। इसकी दूसरी एडवांटेज ये है कि ये डिजिटाइजेशन के चलते इसे कहीं भी यूज किया जा सकता है, जिससे इसकी यूनिवर्सल यूज बढ़ जाती है। ये नॉर्मली इंडिया के आरोग्य सेतु जैसा ही है, जिसमें आप अपने स्वस्थ बॉडी टेम्परेचर और डॉक्टर्स के रिपोर्ट डालते हो और ये आपको बताता है कि आप सेफ हो कि नहीं और क्या आपके आसपास लोग सेफ है कि नहीं, अगर उनके पास भी सेम ऐप हो तो। कुछ ही दिनों पहले फ्रांस भी डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट के ट्रायल स्टार्ट कर चुकी है। जैसे कि हमें पता है कि यूएसए और इंडिया में घुसने के लिए आपको COVID-19 सेफ की प्रूफ दिखानी होती है, तो उस केस में एक यूनिवर्सल वैक्सीन पासपोर्ट होना अच्छी बात है और काफी कन्वीनियंट भी है। इसराइल की सरकार ने जो वैक्सीन पासपोर्ट बनाया है वो तो है ही, बट काफी सारे इंटरनेशनल एसोसिएशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी वैक्सीन पासपोर्ट का काम कर रही है। जैसे कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक ऐप बना रही है जिसका नाम है IATA ट्रैवल पास, जो एयरलाइन इंडस्ट्री के सारे कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म देगी जो वैक्सीनेशन की प्रूफ को चेक करेगी। काफी सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी एक ऐप पर काम कर रही है जिसका नाम है कॉमन पास, जो कि सेम चीज करेगी, लोगों की वैक्सीन प्रूफ रखेगी। यूएसए के काफी सारे प्लेन्स में यूज भी किया जा रहा है, जैसे कि लुफ्तांजा और जेट अटलांटिक। लेकिन इस वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर WHO ने खेद भी जताया है। उनका मानना है कि बड़े बड़े नेशनल अथॉरिटीज को वैक्सीनेशन की प्रूफ की रिक्वायरमेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वैक्सीन की एफिशिएंसी रेट 100% नहीं हुई है, जैसे कि हम सब जानते हैं। और इस वक्त सिर्फ एक वैक्सीनेशन की प्रूफ को देखकर ये समझ जाना कि वो इंसान ठीक है वो गलत होगा। दूसरी चीज ये है कि ऑफ कोर्स कुछ लोगों को लगता है कि ये लोगों की प्राइवेसी के लिए डेंजरस है, क्योंकि ये मोस्टली डिजिटल मोड में होगी तो इससे सरकार आप पर नजर भी रख सकती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज से ज्यादा फायदे ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी एक और एडवांटेज ये है कि लोगों के पास पासपोर्ट रहने पर जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको उत्सुकता और मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी वैक्सीन ले और वैक्सीन पासपोर्ट को यूज कर पाए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि लोग उनसे दूर रहे और डरे कि कहीं इसके पास कोरोना तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन पासपोर्ट की डिमांड और डेवलपमेंट बढ़ रही है, उसे लगता है कि शायद यही है फ्यूचर ऑफ ट्रैवल। बाय द वे, क्या आपको पता है कि एक नया वैक्सीन मार्केट में आने वाला है जिसका नाम है नोवावैक्स? अगर आपको नोवावैक्स के बारे में जानना है तो ऊपर जाके आई बटन में दबाइए और ये पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज नीचे जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेजेबल कंटेंट आपको देते हैं और आपको नॉलेजेबल बनाते रहते हैं। तो तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले डीनोस की वीडियो में। नमस्कार।